ओके तो भाई मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट कितना सही है, पर ब्रॉक लेसनर शायद से अब आपको जेल जाते हुए दिख सकते हैं बहुत ही जल्द। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर का पूरा रेसलिंग कैरियर भी अब खत्म हो सकता है। क्या कुछ रिपोर्ट है मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। एक्चुअली भाई मैं सारा रात सोया नहीं था, मॉर्निंग में जैसे मैं ट्विटर ऑन किया मुझे एक बड़ा शॉकिंग न्यूज पता चला। सबसे पहले जो रिपोर्ट था विंस मैकमैन के बारे में था। विंस मैकमैन के ऊपर सेक्स स्कैंडल का केस चल रहा है, सारे लोगों को पता होगा। ये केस मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से चल रहा है। ये केस कितना सीरियस है मेरे ख्याल से सबको पता होगा। विंस मैकमैन इसी केस के वजह से अपना पूरा पोजीशन को खो दिया WWE कंपनी बिग विकिया एंडीवर के कारण, मतलब इसी केस के चलते। अब आज सुबह इसी केस से रिलेटेड एक और मतलब अपडेट निकल कर सामने और मुझे लगा भाई कि मतलब ये सारा केस विंस मैकमैन से रिलेटेड है, पर भाई एक्चुअली जब मैंने पढ़ा तो वहां पर केस ही कुछ अलग था। जितने भी न्यूज चैनल वाले थे सारे न्यूज चैनल वाले ब्रॉक लेसनर का फोटो विंस मैकमैन के साथ यूज कर रहे थे। और भाई बाद में मैंने जब पूरा केस को पढ़ा तो मुझे पता चला विंस मैकमैन के साथ साथ ब्रॉक लेसनर भी सेक्स स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व थे। मतलब जहां मजा विंस मैकमैन मार रहे थे साथ ही साथ वहां पर मजा ब्रॉक लेसनर भी मार रहे हैं। और भाई ये रिपोर्ट सच में मतलब जमीन खिसकाने वाला, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर का करेक्टर ऐसा है ही नहीं। WWE कंपनी के जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं सारे रेसलरों ने मतलब भाई 3-4 आराम से शादी सारे लोग ने किया है। आप लोग चाहे अंडरटेकर का बात करो या फिर आप लोग रिक फ्लेयर का बात करो, सारे लोग ने बहुत सारे शादी किए। भाई ब्रॉक लेसनर वो रेसलर था जो कि बस एक बार शादी किया, मतलब अपने फैमिली के साथ बस एंजॉय करते। ब्रॉक लेसनर ना ही कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, ना ही किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, ना ही मतलब बाहरी कोई मतलब रखते हैं। ब्रॉक लेसनर का इस केस के अंदर इन्वॉल्व होना भाई सच में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। मैं आपको एग्जैक्टली बहुत सारे चैट भी दिखा रहा हूँ। ये चैट सारा मतलब विंस मैकमैन के थे बहुत सारे फीमेल रेसलर के पास, जिस भी फीमेल रेसलर को सेक्सुअली हरास किया गया था उसके पास मतलब विंस मैकमैन ये चैट भेजे। भाई ये करेंट टाइम में सारा चीज पब्लिक हो चुका है, सारा चीज मतलब इंटरनेट के ऊपर आ चुका है। आपको पता है तो भाई अमेरिकन जो गवर्नमेंट है भाई इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त रहता है, सारा चीज वो पब्लिक कर देता। भाई विंस मैकमैन का तो भाई मतलब ऐसे ही पैर कब्र में, ये करेंट टाइम में 28 ईयर का है, पर भाई ब्रॉक लेसनर का करियर शायद से अब खत्म हो जाएगा। अगर ये केस सही प्रूफ हुआ तो भाई ब्रॉक लेसनर को WWE वाले अपने कंपनी के अंदर नहीं रख सकते। साथ ही साथ भाई ब्रॉक लेसनर को डेफिनेटली जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा मोटा फाइन भी देना। और भाई ये जमाना आज के 10-15 साल पहले का नहीं, मतलब जब केस मतलब छिपा दिया जाता था, भाई अब करेंट टाइम में जमाना बिल्कुल बदल चुका है। भाई लिटरली हमें जो ब्रॉक लेसनर 1-2 साल तक अभी और देखने को मिलते हैं भाई आपको शायद अब देखने को मिलेंगे ही नहीं। भाई ये सच में बहुत ही ज्यादा डराने वाला न्यूज है। मतलब चलो या विंस मैकमैन तक सही था, विंस मैकमैन जेल के अंदर जाते कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई ब्रॉक लेसनर इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व है ये साफ तरीके से लिखा गया। और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर कब इन्वॉल्व है इसका भी डेट बताया गया। ये जो पूरा कांड हुआ है 2021 में जब ब्रॉक लेसनर वापस आया था शायद से मतलब उसी टाइम पर पूरा कांड हुआ। तो भाई सही में मैं ब्रॉक लेसनर का इतना बड़ा फैन हूँ, मतलब भाई मेरा भी सही में दिमाग काम नहीं कर रहा। वैसे भाई कुछ और अगर रिपोर्ट आता तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा ब्रॉक लेसनर के बारे में, पर हाँ करेंट में भाई मामला बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में सारे लोग कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ भाई सारे लोग मतलब इस वीडियो को शेयर करो सारे लोग, और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों को मेरे से बात करें इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं आप।